अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम हमेशा हर साल एक सीरीज स्टार्ट करते हैं कोचिंग सेंटर्स पे, तो इस साल भी हमने सेम चीज करी है। तो आज हम बात करने वाले हैं और एक कोचिंग सेंटर पे जिसका नाम है वेदांतु, जो एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे अबाउट वेदांतु श्रीनगर। तो अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वेदांतु में ऐसी क्या डिफरेंट फैसिलिटीज है जो आपको मिलने वाली है, ठीक है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर के बारे में, और साथ ही साथ बात करेंगे हम फैकल्टीज के बारे में, एंड एंड में मुझे और एक इंपॉर्टेंट चीज भी बतानी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे, हम बात करने वाले हैं फैसिलिटीज के बारे में। फैसिलिटीज में अगर हम पहली बात करें वो है हाईएस्ट पर्सनल अटेंशन। अब इस चीज का मतलब क्या है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। एक तो हुआ मास्टर टीचर, और हो गया स्टूडेंट एकेडमिक मेंटरशिप, एंड तीसरी चीज जो है डाउट एक्सपर्ट। आपका जो मास्टर टीचर है वो आपको क्लास में पढ़ाने वाला है, एंड वहां पे जो मास्टर टीचर्स की अगर हम बात करें तो जो टीचर्स की सिलेक्शन परसेंटेज है वो बस 2% है। मतलब अप्लाई तो बहुत करते हैं, लेकिन उनमें से बस 2% की ही रिक्रूटमेंट वहां पे हो जाती है। तो वहां पे आप समझ सकते हो, एंड वहां पे टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए 5 ऐसे डिफिकल्ट स्टेप्स होते हैं जहां पे अगर टीचर पार कर गया देन ओनली वो उनको रिक्रूट करते हैं, ठीक है। ये तो रही मास्टर टीचर की बात, लेकिन हम बात करते हैं स्टूडेंट एकेडमिक मेंटरशिप की। इसमें आपको क्या चीज प्रोवाइड की जाती है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है जब क्लास में एक मास्टर टीचर आपको पढ़ाएंगे इट विल बी लाइक 1 to many, मतलब एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स। लेकिन ये भी आप दिमाग में रखना, वहां पे रोल आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, इट विल बी अराउंड 40 to 50 स्टूडेंट्स पर क्लासरूम, ठीक है। तो अगर हम बात करें आपके क्लासरूम में इट विल बी लाइक 1 to many, लाइक एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी स्टूडेंट एकेडमिक मेंटर्स, जहां पे क्या सीन होगा ना, 1 to 1 इंटरेक्शन होगा बच्चों से। चाहे उनको गाइडेंस चाहिए हो, चाहे उनको मोटिवेशन चाहिए हो, चाहे उनको स्टडी प्लानर चाहिए हो, मतलब टाइम टेबल एंड ऑल दैट, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी चाहे वो पर्सनल हो या एकेडमिक्स के रिलेटेड हो, तो वो सारी जो चीजें स्टूडेंट एकेडमिक मेंटरशिप के थ्रू क्लियर किया जाता है, ठीक है। तो तीसरी चीज जो है वो है डाउट एक्सपर्ट्स। तो वहां पे डाउट एक्सपर्ट्स भी आपको मिलेंगे आपके क्लासरूम्स के बाहर। तो वहां पे क्या चीज होगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे जो आपके क्लासरूम में आते हैं वहां पे डाउट एक्सपर्ट्स होंगे, उनके थ्रू आप अपने डाउट जो है वो क्लैरिफाई करा सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो है, फॉर एग्जांपल आपने आज लेक्चर दिया, ठीक है, तो आपको वहां पे हाईटेक क्लासरूम्स मिलेंगे, मतलब डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड्स आपको वहां पे मिलेंगे। उसकी वजह से क्या चीज होगी ना, जो भी आपने आज क्लास अटेंड की तो उसके आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, उसके आपको नोट्स मिलेंगे। तो अब इस चीज से क्या फायदा, अब अगर कोई बच्चा जिसके क्लासेस मिस हो रही है, फॉर एग्जांपल एक दिन की क्लास मिस हो गई, तो उसको क्या सीन करना है, उसको ये नहीं जाना है कि अब टीचर के पास जाए कि मुझे फिर से पढ़ाओ, जो टीचर ने सेम पढ़ाया होगा दूसरे बच्चों को तो सेम टू सेम उसको उसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा। तो ये तो रही इस चीज की बात। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आपके टेस्टर्स होंगे, मतलब रेगुलर टेस्टर्स होंगे, रेगुलर इन द सेंस हर 14 डेज के बाद आपका एक टेस्ट होगा जिसमें आपका अच्छे से एनालिसिस किया जाएगा कि कौन सा पोर्शन आपका वीक है, कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है। आपको खुद भी वो एनालिसिस एक मिल जाएगा कि मेरा कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है। और एक चीज जो है लेक्चर लाइब्रेरी, एक एप्लीकेशन है वी बड़ी, वहां पे आपको 1200 आवर्स ऑफ लेक्चर्स एक्सेसिबल होंगे इस वी बड़ी के ऐप से। तो और एक चीज अगर हम बताएं, एक ऐप है जिसका नाम है पेडागोगी ऐप, तो वहां पे आपको क्या सीन होगा ना, 150 प्लस बुक्स का एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। लेकिन अब और एक जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, वहां पे एक चीज बच्चे को दी जाएगी हर एक बच्चे को, वो है क्लिकर्स। वो एक रिमोट टाइप होगा, एंड आपका जो स्मार्ट बोर्ड है उसमें एक क्विज जनरेट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपका क्लास चल रहा है तो सर ने प्लान कर लिया कि हम एक क्विज करते हैं, ठीक है, तो कोई सा भी क्वेश्चन डाल दिया, तो हर एक बच्चे के पास, जैसे आपने वो कौन बनेगा करोड़पति में वो पोलिंग का सिस्टम देखा होगा, तो सेम टू सेम वही चीज आपको क्लासरूम में मिलेगी। हर एक बच्चे को वो क्लिकर दिया जाएगा, उसमें ऑप्शंस मेंशन होंगे, फिर जैसे ही कोई बच्चा उस पर क्लिक करेगा सीधे, मतलब उसकी रिपोर्ट, हर एक बच्चे की रिपोर्ट आ जाएगी सामने उसी स्मार्ट बोर्ड में कि किस बच्चे ने कितने कम टाइम में आंसर दिया, किस बच्चे के कितने ज्यादा क्वेश्चंस ठीक है या गलत है, ठीक है। तो वो सब एनालिसिस आपको वहां पे बोर्ड पे ही मिल जाएगा। ये चीज मुझे डिफरेंट भी लगी एंड इंटरेस्टिंग भी लगी। एंड इसके साथ साथ आपको तत्वा बुक्स भी मिलेंगी, जिनको हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो मॉड्यूल्स हैं, वो कलर्ड प्रिंट में आपको मिल जाएंगी, चाहे उसमें डायग्राम्स हो, हाईली लेबल्ड डायग्राम्स मिलेंगी, मतलब वो एचडी क्वालिटी की डायग्राम्स मिलेंगी आपको हर एक मॉड्यूल्स में, ठीक है। साथ ही साथ क्या चीज होगा, अपार्ट फ्रॉम जो आपके मॉड्यूल्स हैं, आपको वीडीपी मिलेंगे, मतलब वेदांतु डेली प्रैक्टिस पेपर्स जो है वो आपको मिलेंगे, जो भी आपने आज पढ़ा उसी के अकॉर्डिंगली वो डिजाइन किए गए होंगे, ठीक है। तो इसके अपार्ट अगर हम रिजल्ट्स की बात करें, देखो रिजल्ट्स की अगर हम बात करें वेदांतु के बारे में, तो आपको पता ही होगा वेदांतु बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है हर एक साल। अगर हम जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, हर साल 6% ऑफ आईआईटीएंस जो है वो वेदांतु से ही होते हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें, ओवर 1000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनने जेई एडवांस क्रैक किया था, ठीक है। अगर हम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें, ओवर 1500 वेदांतु स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी नीट 2023 में सिलेक्शन हुई थी, ओके। तो ये तो रही इस चीज की बात। इसके अपार्ट वेदांतु जो है वो आपको प्रिपेयर करता है दूसरे एग्जाम्स, जैसे ओलंपियाड्स वगैरह, ऐसे ऐसे एग्जाम्स हैं। हम फाउंडेशन क्लासेस की ही बात करें, ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्स के लिए भी आपको वेदांतु अच्छे से प्रॉपर गाइडेंस देके प्रिपेयर कराता है। साथ ही साथ अगर हम बात बताएं, इनके पास अपनी एक AI बेस्ड डाउट सॉल्विंग ऐप है, जहां पे आप फोटो उठा सकते हो अपना, जो भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, उसका फोटो उठा लो या उसको ऑडियो में बता सकते हो, तो आपको AI टूल के थ्रू ही उसका एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें जो इंपॉर्टेंट है वो है फैकल्टीज की, तो मैं दो नाम लेना चाहूंगा। अगर आप उन दो का नाम दिमाग में रखें तो मुझे लगता है कि मतलब फैकल्टीज बहुत ही अच्छी है, ठीक है। जो मतलब ना
वो फ्रंट फेस होता है हर एक इंस्टीट्यूट का। तो अगर हम इस इंस्टीट्यूट की बात करें वेदांतों की, वहाँ पे आपको अमित सर और यादव सर खुद पढ़ाने वाले, मतलब अमित सर और यादव सर ऐसे टीचर्स हैं जिनने कश्मीर में वो जब 710 वाला जो यहाँ पे रिजल्ट आया था वो इन्हीं की वजह से प्रोड्यूस हुआ था। ये आकाश में पहले पढ़ाते थे, वहाँ पे इन्हें टॉप रैंक्स प्रोड्यूस करी है। उसके बाद इन्हें राइट वे इंस्टीट्यूट खोला, वहाँ पे भी इन्हें अच्छी खासी रैंक्स प्रोड्यूस करी। अगर हम बात बताएं ये टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं इंपॉर्टेंट चीज की बात करता हूँ जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो है फीस स्ट्रक्चर। तो फीस स्ट्रक्चर नॉमिनल रहने वाली है, और अगर आपको स्कॉलरशिप भी चाहिए आप वहाँ सेंटर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपका एग्जाम होगा तो उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी अप टू 100%। इसके अपार्ट भी अगर हम बात करें, अगर कोई ऑर्फन है या कोई अफोर्ड नहीं कर पाता या कोई डिफेंस बैकग्राउंड लाइक आर्मी पर्सनल एंड ऑल या किसी का बीपीएल वगैरह है, उसके लिए भी अलग से स्पेशल डिस्काउंट वहाँ पे रखा गया है। लेकिन अब मैं आपको बात एक बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं SRISYED1278 तो आपको एडिशनल 5% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप वहाँ पे सेंटर भी विजिट करें, वहाँ पे अगर आप इतना बोले कि सईद आकिब की वीडियो देख के आए, तो आपको 5% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। अब कोई बताएगा लोकेशन क्या, तो लोकेशन एग्जैक्ट राजबाग है, नियर जीरो ब्रिज या नियर अरीना, जहाँ पे अरीना है तो वहाँ पे आपको इसकी लोकेशन मिल जाएगी। ये रही बात वेदांत श्रीनगर की, अगर आपको रजिस्टर करना है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में लिंक दे रहा हूँ। बाकी आई होप कि आपको इस वीडियो से पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ही मिली होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।